टॉयलेट हमारा ये मल्चिंग का काम करता है, अपने से वो कंपोस्ट का काम करते हैं। अच्छा, किसान भाइयों को अगर सीधी सी भाषा में बताएं तो मल्चिंग का मतलब क्या है हिंदी में? मल्चिंग का मतलब है सर मिक्स करना। जिन खेतों में हार्ड मिट्टी होती है, अब हम पहले एक रेडी चलती होती थी बरी करने के लिए, वो रेडी का काम ये करता था। और इसमें मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये अब इसका जो सेट है ये ऊपर का अलग पड़ा हुआ, नट खोलने होते हैं 14 नट। जी 14 नट खोल करके जी। और इसको हम रोटावेटर बना सकते हैं जी। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज आपके सामने है जी बहुत ही जाना माना ब्रांड है एग्री जोन। दोस्तों इस टाइम कंपनी जो है बहुत तगड़ी ग्रो कर रही है जी। इसके काफ़ी प्रोडक्ट हमारे सामने हैं जी। लेजर लेवलर हो गया जी, जैसे रीपर हो गया और सुपर सीडर हो गया जी, या फिर रोटावेटर हैं, कई तरह के प्रोडक्ट हैं। लेकिन आज जो हम बात पहले करेंगे वो बात करेंगे जी एग्री जोन का जो सुपर सीडर है हमारे पास 7 फीट का, इसके बारे में बात करेंगे। सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे कुछ बातें जो इनके बारे में जानेंगे कि क्या क्या खासियत है इनमें, दूसरों से कुछ अलग जो है वो क्या है जी, वो बात करते हैं। ये हाँ, ये सर लेजर कटिंग है, ये 34 नंबर होता है। अच्छा, ये 34 नंबर है। ठीक है जी, ठीक है। ये 34 नंबर जो है यहाँ पर आ गया, और इसमें जो खास बात है दूसरों से अलग है वो बताओ जरा। सर जैसे कि ये अपना बहुत हैवी है। अच्छा जी। काफी मोटा 10 mm की ये प्लेट है। ठीक है ठीक है। इतना मोटा नहीं। अच्छा, इसमें हमने कोन लगा रखी है। अच्छा जी। इसके इसे घुस लगा रखा है जिससे कि आप जो ट्रैक्टर की पिन लगाते हैं ना सर, जिससे कट जाए, होल बड़ा नहीं हो, तो ये बहुत स्टील की पिन है। ठीक है, ये कटेगी नहीं, जल्दी घिसेगी नहीं। अच्छा, और इसमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। ठीक है जी। और बताइए जी गियर बॉक्स के बारे में बताओ जी। ये वाले सर ये अपना हैवी गियर बॉक्स है 13-23 में। अच्छा जी। 13-23 का इसका क्राउन पिनियन है। ठीक है जी। ये सबसे हैवी इसको माना जाता है और सबसे लॉन्ग लाइफ रहती है। 4 लीटर इसमें गियर ऑयल आता है। ओके ओके। ये खुद तैयार करते हो या किसी से बना बना लेते हो? सारा कुछ कंपनी इन हाउस बनाती है। अच्छा जी। एक सील और बैरिंग और बोल्ट को छोड़ के। अच्छा जी। ब्लेड अपने भी बना रही है और टायो कंपनी का बेस्ट ब्लेड ले रही है। इसमें कौन सा टायो कंपनी का ब्लेड लगा हुआ है? कितने ब्लेड है इसमें सर? 1 में 6 होते हैं। हाँ हाँ। 9 रो है। हाँ हाँ। ठीक है सर। हाँ। और 9 में ये 54 ब्लेड, 6 में 54 हो गया, 54 ब्लेडों वाला है जी भैया। ये टायो कंपनी के बिल्कुल ब्रांडेड ब्लेड कह रहे हैं भाई साहब, लगे हुए हैं। डबल डिस्क इसमें दोनों तरफ डिस्क मिल जाती है। 35 किलो की सबसे हैवी, 35 किलो की डिस्क है। हाँ, 35 किलो की डिस्क है। हाँ, पक्की सर। ठीक है ठीक है जी। पक्की है, इंडिया के अंदर किसी भी इम्प्लीमेंट कंपनी पे ठीक है, हैवी डिस्क नहीं। ओके ओके। अच्छा इसमें दोस्तों अगर आप इसमें कॉल करके टोल फ्री नंबर पर अगर कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और एक बात बताइए सर, जो आपका जो ये क्राउन पिनियन है ये इसका क्या नंबर वगैरह? ये 21-36-26 का है। 21-36-26 का है। ठीक है जी। और ये आपका जो दाने गिरते हैं इससे है? हाँ, इससे ये ठीक है ठीक है। और ये सपोर्ट आपकी जो है काफी हैवी लगी हुई है मेरे ख्याल से। ये सर जैक है। हाँ, हाँ। स्प्रिंग वाला जैक है। अच्छा जी। और जैसे ही ये जरूरत के हिसाब से एडजस्टेबल है। ठीक है जी ठीक है। ये फटा वगैरह भी लगा हुआ। अच्छा जो आप ये डिस्क हैं ये कौन सी हैं? ये बोरोन स्टील की डिस्क है। अच्छा, बोरोन स्टील की वाली एकदम से, ये बहुत इसकी लॉन्ग लाइफ रहती है, ज्यादा चलता है। अच्छा अच्छा। और आपका जो ये रोलर है बीच वाला? हाँ जी, हाँ जी। आप इस रोलर को कैसे घुमाते हो? चेन ड्राइव है क्या आपका? ये गियर ड्राइव है। दिखाओ जरा। ये है गियर। तो दोस्तों आप यहां से चेक कर लो जी, कई कंपनियां इसको बिल्कुल चलता हुआ कर देती हैं, चैन चला देती हैं। चैन क्या करती है जी, बाद में टूट जाती है। लेकिन यहां एग्री जोन कंपनी ने बहुत बढ़िया सिस्टम कर रखा है जी। इसको शाफ्ट लगी है शायद ना यहाँ पे बीच में, शाफ्ट लगा के पूरा बढ़िया हैवी गियर ड्राइव कर दिया जी। काफ़ी बढ़िया सिस्टम है जी। अच्छा दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ इसके बारे में कि अगर आप इसको रोटावेटर करना चाहते हो तो ये भी बहुत जल्दी हो जाता है, वो भी हम सर से पूछेंगे कैसे हो जाता है जी। एक बार आप ये बताओ जी ये रोलर किस चीज़ के हैं ये वाले? ये सर खाद, जैसे खाद है इसको एडजस्ट करने वाले हमें। अच्छा, एकड़ में कितना खाद डालना, कितना बीज डालना। अच्छा अच्छा। उसको तो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए 5 से 7 किलो करने के लिए इसके यहाँ से होगा है। ठीक है जी ठीक है। और हम क्या जानना चाहते थे इसका, अगर हम इसको रोटावेटर बनाते हैं तो कौन से नट खोलकर कितनी देर में हो जाता जी? सर दो बोल्ट ये है। अच्छा जी। दो बोल्ट वो है, एक और दो, ठीक है। चार हो गए सर। हाँ, चार इसी टाइप के उधर। ठीक है ठीक है। चार आठ नट खोल के, चार ये हैं सर। अच्छा, ये 12 नट बोल्ट है। 5 से 7 मिनट में इसको, ठीक है जी ठीक है, सुपर सीडर से रोटावेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जो इसका पिछला वाला रूलर है वो लगा रहेगा साथ में ना? हाँ, वो लगा रहेगा। अच्छा, उसका फायदा भी है, जैसे हमारे क्षेत्र में मिट्टी ज्यादा कर रही है तो वो ये समझ लो कि वो पीछे दबाता चलेगा तो वो फायदा ही, जैसे पहले रेडी वगैरह चलती थी। जैसे रोटावेटर में पटला होता है ना, इसमें किट की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, पीछे वाला जो पटली जरूरत नहीं है ना? ठीक है ठीक है। और बताओ इसमें कोई कोई खासियत दूसरों से अलग हो जो कुछ? आइए सर इधर आइए। हाँ जी। इसमें
की खासियत ये है, जैसे खाद और बीज आता है अलग अलग आता है ठीक है सर, यहाँ पे आने के अदर कंपनियों में क्या है अधिकतर कंपनियों में यहाँ पे आने के दोनों एक हो जाते हैं ठीक है जी। ये दोनों एक होने से बहुत बड़ा नुकसान होता है, कई बार क्या होता है नाली चौक हो जाती है ठीक है जी, जिससे कि आपके काफी दूर तक आपका बीज ही नहीं डल पाता नीचे ठीक है ठीक है। इसमें हमारे में क्या अलग अलग है, दोनों अलग 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 बीज भी अलग गिरता है और वो खाद भी अलग गिरती है ठीक है जी। इसमें ये फायदा है कि बीज और खाद एक एक्यूरेट तरीके से गिरेगा, अगर एक होता तो बीज पे खाद ज्यादा आता तो खाद अपना बीज गल जाता है। और ये आपकी जो बंदूकें हैं ये बस सिल्वर की है या पिस्तौल जो है? हाँ जी हाँ जी सिल्वर है, सिल्वर अल्मोनियम के हैं, अल्मोनियम जल्दी गलेंगे नहीं है, गलेंगे नहीं जल्दी ठीक है जी ठीक है, नहीं गलेंगे ना जंग आएगी इन पे। अच्छा अच्छा एक बार इसको अंदर से देख लेते हैं जी थोड़ा इसको। तो दोस्तों ये अंदर का सिस्टम है जी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये आम मशीनों जैसे ही वैसे तो बना हुआ है, लेकिन जो इसकी थोड़ा सा फर्क ये है कि जो इसकी चादर है ये काफी मोटी है इन्होंने लगा रखी कितने, लेकिन इसका जो पेंट है यार मैं इसकी पेंट की क्वालिटी देख के बड़ा हैरान हूँ जी। ये ट्रैक्टर या कारों जैसी पेंट पता नहीं आपको दोस्तों दिखाई दे रहा नहीं, मैं आगे अच्छा पाउडर कोटेड है ये तो काफी बढ़िया क्वालिटी है जी पेंट की, मैं अभी आपको आगे से दिखाऊंगा, थोड़ी सी छाया आ रही है इस तरफ से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं एक बार आगे से दिखाता हूँ जी। पाउडर कोटेड पेंट जो होता है ये उस तरह का पेंट है जी, आप यहाँ से चेक कर सकते हो दोस्तों। क्या रहता है जी पेंट बड़ी चीज होती है, क्योंकि अगर पेंट हल्का रहता है तो कुछ ही समय में हमारा जो इम्प्लीमेंट होता है वो गलना जो है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि बात ऐसी है दोस्तों कि लाखों रुपए का सामान है। पहले क्या रहता था जी, पहले ये चीजें जो होती थी ये सस्ते भाव में जो मिल जाती थी, चलो इस तरह की चीज तो खैर पहले थी नहीं, लेकिन सस्ते भाव में चीजें जो आती थी पहले, अब चीजों का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये चीजें सब चेक करके लेनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी का पेंट है, क्या है क्या नहीं, वो पूरा देख के आप लिया करो। और कैसा लगा आपको ये इम्प्लीमेंट कमेंट करके बताना। अच्छा सर एक चीज और बता दो जी, सब्सिडी वगैरह चल रही है या नहीं इस पे? हाँ जी सर सब्सिडी है। कितनी? इस पे फिक्स रहती है 1,05,000 रुपए। 1,05,000 अपने ट्रैक्टर के कागज वगैरह लगाकर आप ले सकते हो, खाते में आएगी आपके खाते में आएगी अकाउंट। लेकिन बंदा जब आपके पास किसान खरीदने आता है, हमारे किसान भाई अगर आपके पास इसको लेने आते हैं, तो उसको कितना पे करना होगा पहले? सर फुल पेमेंट पर। कितनी? जैसे अपना 7 फीट है, 7 फीट जो है अपना 2,65,000 का दे रहे हैं। 7 फीट का 2,65,000 का दे रहे हो? अच्छा तो मेले का डिस्काउंट वगैरह कितना है? मेले का डिस्काउंट करने के बाद में वैसे 2.75 अपनी एमआरपी है। अच्छा मतलब 10,000 रुपए की छूट है आज के दिन, मतलब 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए आज पहला दिन है, आज पहला दिन है। 13 तारीख है अक्टूबर महीने की 2023 की वीडियो दोस्तों ये है। आज से आप 3 दिन में अगर आप यहाँ पहुँच के ले सकते हो तो 10,000 की छूट आपको मिलती है, 1,05,000 की छूट आपके खाते में आ जाएगी। अगर आपके ट्रैक्टर के कागज कम्प्लीट हैं तो आपकी खतौनी वगैरह लगा कर आप ले सकते हो। और कुछ सर बताने वाला कुछ हो तो? सर सबसे जो बेस्ट चीज है ये हमारी जीएसए इंडस्ट्री है कंपनी, जीएसए इंडस्ट्री जी, जीएसए हाँ जीएसएआई ठीक है, जीएसए इंडस्ट्री। अच्छा जीएसए इंडस्ट्री एग्री जोन इसका ब्रांड नेम है। अच्छा जी ब्रांड वाइज जीएसए इंडस्ट्री। अच्छा जो ब्रांड है वो जो नाम है आपका कंपनी वो जीएसएआई है ठीक है जी। इसमें क्या है सर, ये हमारी जीएसए जो इंडस्ट्री कंपनी है ये पिस्टन का रिंग बनाती है, और पिस्टन बनाती है और गजन पिन बनाती है। अच्छा जी इंजन के मेन बॉडी जो पार्ट होते हैं हाँ जी हाँ जी वो कंपनी बनाती है। मतलब किस चीज का पिस्टन? जो भी डीजल इंजन का पिस्टन होता है। अच्छा अच्छा पिस्टन तो बनाती है जो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू कारों के कारों के अच्छा जी बनाती है। और रिंग अपना इंडिया के अंदर 95% जो डीजल के इंजन है उनमें आपका जीएसए का रिंग मिलेगा। ठीक है ठीक है जी। वर्ल्ड में 4 कंपनियां रिंग बनाने रिंग पिस्टन बनाती है, चौथी कंपनी है। ठीक है ठीक है दोस्तों सुन लिया आपने कि जीएसए कंपनी कोई हल्की नहीं है जी, ये कंपनी जो है ये कारों के ट्रैक्टरों के पिस्टन और रिंग बनाती है जी, बहुत तगड़ी कंपनी है। लेकिन आज के समय में इन्होंने अपने जो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए हैं, ये प्रोडक्ट हैं जी आपके सामने, जैसे मैंने एक बार आपको पहले भी दिखाया, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ जो इसका जो रेट वगैरह भाई साहब ने आपको बता दिया जी। इसका रेट जो है वो 1,65,000 रुपया मेले में है, वैसे है जी 2,75,000, 1,05,000 आप इसमें छूट ले सकते हो, वो आपके खाते में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों वही मेरे ख्याल से 50 से 55 HP का ट्रैक्टर इसको बड़े आराम से चला देगा जी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जो बताना, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।